प्रिय मसीही भाइयों, जय यीशु की। प्रस्तुत लेख को बड़े ध्यान और परमपिता परमेश्वर में विश्वासी होने के नाते जरूर सुने। यह एक सवाल है, या स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और वे सभी लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हैं और वह परमेश्वर का पुत्र है, और फिर भी तुम यह गवाही दे रहे हो कि देदारी मसीह परमेश्वर का प्रकटन है, कि वह खुद परमेश्वर हैं। कृपया तुम हमें यह बताओ कि क्या देदारी मसीह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं या स्वयं परमेश्वर हैं। इन सवालों का जवाब इस प्रकार है, देहधारी मसीह स्वयं परमेश्वर हैं या परमेश्वर के पुत्र हैं? या वास्तव में ऐसा सवाल है जिसे प्रभु के ज़्यादातर विश्वासी नहीं समझते हैं। जब देहधारी प्रभु यीशु मानव जाति के छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे, तो लोगों के बीच प्रकट होकर कार्य करते हुए परमेश्वर मनुष्य के पुत्र बन गए। उन्होंने न केवल अनुग्रह के युग का आरंभ किया, बल्कि एक नए युग का भी शुरुआत की, जिसमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच रहने के लिए मनुष्यों की दुनिया में आए। बड़ी श्रद्धा के साथ जिन मनुष्यों ने प्रभु यीशु का अनुकरण किया, उन्होंने उनको मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र कहा। उस समय पवित्र आत्मा ने भी इस तथ्य की गवाही दी कि प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और प्रभु यीशु स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहते थे। इस तरीके से पिता पुत्र के इस संबंध की धारणा धार्मिक जगत में बनी। अब हम एक पल के लिए विचार करते हैं, क्या परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय में कहीं भी कहा है उनका कोई बेटा है? नहीं। व्यवस्था के युग के दौरान क्या यहोवा परमेश्वर ने कहीं कभी कहा था कि उनका कोई बेटा है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इससे साबित होता है कि परमेश्वर सिर्फ एक हैं, पिता पुत्र के संबंध की कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग यह पूछ सकते हैं, अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र थे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे या स्वयं परमेश्वर थे? आप लोग कह सकते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम विश्वासियों ने सदियों से बहस की है। हम इस मुद्दे में निहित विरोधाभास को अनुभव करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसे कैसे समझाया जाए। प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र भी हैं, तो क्या कोई परमपिता परमेश्वर भी हैं? हम इस विषय को भी अच्छी तरह समझने में असमर्थ हैं। पिछले 2000 सालों में ऐसा लोग बहुत कम है जिन्होंने यह पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, परमेश्वर का प्रकटन है। दरअसल बाइबल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। यूहन्ना 14:8 में फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु से पूछा था, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उस समय प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस को कैसे जवाब दिया? प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा था, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो
कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो। यूहन्ना 14:9-11। यहाँ प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटन है। यहाँ प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि उनके और परमेश्वर के बीच पिता पुत्र का संबंध है। उन्होंने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और उसने यह भी कहा, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30। अब प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं? परमेश्वर सिर्फ एक हैं और पिता पुत्र के संबंध जैसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग यह सवाल पूछ सकते हैं, अगर प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं तो ऐसा क्या है कि जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की तो उन्होंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की? प्रभु यीशु द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहे जाने में सचमुच रहस्य छिपा है। जब परमेश्वर देह धारण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा शरीर में छुपा रहता है। शरीर स्वयं भी आत्मा की मौजूदगी से अनजान रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम स्वयं अपनी आत्मा को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा अपने शरीर में रहकर कोई भी अलौकिक कार्य नहीं करता है। इसलिए भले ही प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, अगर परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं वचन नहीं बोले होते और परमेश्वर की गवाही नहीं दी होती तो प्रभु यीशु को यह पता नहीं होता कि वे देहधारी परमेश्वर हैं। इसलिए बाइबल में यह कहा गया है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना पुत्र परंतु केवल पिता। मार्कुस 13:32। प्रभु यीशु अपनी सेवा का प्रदर्शन करने से पहले सामान्य मानवता में रहते थे। वे असल में नहीं जानते थे कि वे परमेश्वर का देह धारण है, क्योंकि शरीर के भीतर मौजूद परमेश्वर के आत्मा ने अलौकिक तरीके से कार्य नहीं किया था। उन्होंने सामान्य सीमाओं में कार्य किया, बिल्कुल हम मनुष्यों की तरह। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभु यीशु स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते थे, जिसका मतलब यह है कि अपनी सामान्य मानवता के भीतर प्रभु यीशु परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करते थे। यह बात पूरी तरह से समझ में आती है जब प्रभु यीशु ने औपचारिक रूप से अपनी सेवा का प्रदर्शन किया, तब पवित्र आत्मा ने बोलना और प्रचार करना शुरू किया, यह गवाही देते हुए कि वह देहधारी परमेश्वर हैं। सिर्फ तभी जाकर प्रभु यीशु ने अपने सही अस्तित्व को पहचाना कि वे छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे। लेकिन जब वह क्रूस पर लटकाए जाने वाले थे, तब भी उन्होंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। इससे पता चलता है कि मसीह का सार परमेश्वर के लिए नितांत आज्ञाकारी है। इस विषय पर अपनी समझ को स्पष्ट करने के लिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य दो अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब प्रार्थना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाया तो वह केवल एक सृजित मनुष्य के परिपेक्ष से किया गया था, केवल इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा ने एक सामान्य और साधारण देह का चोला धारण किया था और उसके पास एक सृजित प्राणी का बाह्य आवरण था। यद्यपि उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी स्वरूप अभी भी एक साधारण व्यक्ति का था। दूसरे शब्दों में वह मनुष्य का पुत्र बन गया था, जिसके बारे में स्वयं यीशु समेत सभी मनुष्यों ने बात की थी। यह देखते हुए
कि वह मनुष्य का पुत्र कहलाता है। वह एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी कवच के साथ, जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में पैदा हुआ है। इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसा कि तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने सृष्टि के एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया। क्या तुम लोगों को अभी भी प्रभु की प्रार्थना याद है जो यीशु ने तुम्हें याद करने के लिए सिखाई थी? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, उसने सभी मनुष्यों से स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाने को कहा, और तब से उसने भी उसे पिता कहा। उसने ऐसा उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से कहा था जो तुम सभी के साथ समान स्तर पर खड़ा था। चूंकि तुमने पिता के नाम से स्वर्ग में परमेश्वर को बुलाया था, इससे पता चलता है कि यीशु ने स्वयं को तुम सबके साथ समान स्तर पर देखा, और पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। यदि तुम लोग परमेश्वर को पिता कहते हो तो क्या या इसलिए नहीं कि तुम सब सृजित प्राणी हो? पृथ्वी पर यीशु का अधिकार चाहे जितना भी अधिक हो, क्रूस पर चढ़ाने से पहले वह मात्र मनुष्य का पुत्र था। वह पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर द्वारा नियंत्रित था और पृथ्वी के सृजित प्राणियों में से एक था, क्योंकि उसने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना पूरी तरह उसे उनकी विनम्रता और आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर अर्थात स्वर्ग में आत्मा को उसका इस प्रकार संबोधित करना, हालांकि यह साबित नहीं करता कि वह स्वर्ग में परमेश्वर के आत्मा का पुत्र है, बल्कि यह केवल यही है कि उसका दृष्टिकोण अलग है, ना कि वह एक अलग व्यक्ति है। अलग व्यक्तियों का अस्तित्व एक मिथ्या है। क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु मनुष्य का पुत्र था जो शरीर की सीमाओं से बंधा था, और उसके पास पूरी तरह से आत्मा का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि वह केवल एक सृजित प्राणी के परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर की इच्छा तलाश सकता था। यह वैसा ही है जैसा गेतसेमानी में उसने 3 बार प्रार्थना की थी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्रूस पर रखे जाने से पहले वह बस यहूदियों का राजा था। वह मसीह मनुष्य का पुत्र था और महिमा का शरीर नहीं था। यही कारण है कि एक सृजित प्राणी के दृष्टिकोण से उसने परमेश्वर को पिता बुलाया। वचन देह में प्रकट होता है में क्या त्रित्व एक अस्तित्व है? अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, क्या परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि यीशु उसका प्रिय पुत्र हैं? यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं जिस पर वह प्रसन्न है, यह निश्चित रूप से परमेश्वर ने स्वयं ही कहा था। यह परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही थी, लेकिन केवल एक अलग परिप्रेक्ष्य से। स्वर्ग में आत्मा के अपने स्वयं के देह धारण को साक्ष्य देना, यीशु उनका देह धारण है, स्वर्ग में उसका पुत्र नहीं। क्या तुम समझते हो? यीशु के वचन, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, क्या यह संकेत नहीं देते कि वे एक आत्मा है? और यह देह धारण के कारण नहीं है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलग हो गए थे? वास्तव में वे अभी भी एक हैं, चाहे कुछ भी हो। यह केवल परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही है। युग में परिवर्तन, काम की आवश्यकताओं और उसके प्रबंधन योजना के विभिन्न चरणों के कारण जिस नाम से मनुष्य उसे बुलाया है वह भी अलग हो जाता है। जब वह काम के पहले चरण को करने के लिए आया था तो उससे
यहोवा इसराइलियों का चरवाहा ही कहा जाता था। दूसरे चरण में देहधारी परमेश्वर को केवल प्रभु और मसीह कहा जा सकता था, परंतु उस समय स्वर्ग में आत्मा ने केवल यह बताया था कि वह परमेश्वर का प्यारा पुत्र है, और उसने परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होने का उल्लेख नहीं किया था। ऐसा हुआ ही नहीं था। परमेश्वर की एकमात्र संतान कैसे हो सकती है? तो क्या परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता? क्योंकि वह देहधारण था, उसे परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनाया कहा गया, और इससे पिता और पुत्र के बीच का संबंध आया। यह बस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो विभाजन है उसके कारण हुआ। यीशु ने देह के परिपेक्ष से प्रार्थना की, चूंकि उसने इस तरह की सामान्य मानवता के देह को धारण किया था, या उस देह के परिपेक्ष से है जो उसने कहा, मेरा बाहरी आवरण एक सृजित प्राणी का है, चूंकि मैंने इस धरती पर आने के लिए देह धारण किया है, अब मैं स्वर्ग से बहुत दूर हूँ। इस कारण से वह केवल पिता परमेश्वर के सामने देह के परिपेक्ष से ही प्रार्थना कर सकता था। यह उसका कर्तव्य था, और जो परमेश्वर के देहधारी आत्मा में होना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वह देह के दृष्टिकोण से पिता से प्रार्थना करता है। यद्यपि उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, वह अभी भी परमेश्वर है, क्योंकि वह आत्मा का देह धारण है और उसका सार अब भी आत्मा है। वचन देह में प्रकट होता है, में क्या त्रित्व का अस्तित्व है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन बातों को कितना स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। जब प्रभु यीशु लोगों के बीच कार्य कर रहे थे, तो असल में मनुष्य के रूप में देह धारण कर परमेश्वर का आत्मा लोगों के बीच कार्य कर रहा था और प्रकट हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु यीशु अपने वचन कैसे व्यक्त कर रहे थे या परमपिता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहे थे। उनका सार दिव्यता था, मानवता नहीं। परमेश्वर मनुष्य के लिए अदृश्य आत्मा है। जब परमेश्वर देह धारण करते हैं, मनुष्य सिर्फ देह को देखता है। वह परमेश्वर की आत्मा को नहीं देख सकता। अगर पवित्र आत्मा सीधे इस तथ्य का गवाह बनता कि देहधारी प्रभु यीशु परमेश्वर थे, तो मनुष्य ने उनको स्वीकार नहीं किया होता, क्योंकि उस समय को यह भी नहीं जानता था कि परमेश्वर के देहधारी होने का क्या मतलब है। वे सिर्फ परमेश्वर के देह धारण के संपर्क में आए और उनको बहुत कम समझ थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह सामान्य मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की आत्मा का शरीर रूप होगा, यानी देह रूप में परमेश्वर का प्रकटन होगा। इसके बावजूद प्रभु यीशु ने परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को पूरी तरह से प्रकट करते हुए अपने अधिकांश वचन अपने कार्य के दौरान व्यक्त किया। मनुष्य के सामने यह रास्ता दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है, और कई चमत्कार किए। लेकिन उस समय का मनुष्य प्रभु यीशु के वचन और कार्य से यह पहचान पाने में विफल रहा कि प्रभु यीशु ही स्वयं परमेश्वर थे, यानी वे परमेश्वर का प्रकटन थे। तो उस समय प्रभु यीशु के बारे में मनुष्य की समझ किस प्रकार की थी? कुछ लोगों ने कहा कि वे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना थे, कुछ लोगों ने कहा कि वे एलिय्याह थे, अन्य लोग उन्हें गुरु भी कहते थे। तो परमेश्वर ने उस समय के लोगों के महत्व के अनुसार कार्य किया। उन्होंने उनके लिए यह कार्य कठिन नहीं बनाया। पवित्र आत्मा उस समय सिर्फ लोगों की समझ के दायरे में रहकर गवाही दे सकता था, इसलिए उसने प्रभु यीशु को परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा, जिससे लोगों ने कुछ समय तक प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझा।
यह तरीका लोगों की अवधारणाओं के अनुरूप था और इसे स्वीकार करना अधिक आसान था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु सिर्फ छुटकारे का कार्य कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग प्रभु यीशु को क्या कहकर बुलाते थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु यीशु उद्धारकर्ता थे, उन्होंने उनको पापों से मुक्ति दी थी और इस तरह परमेश्वर का अनुग्रह पाने के योग्य थे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने इस तरह प्रभु यीशु के लिए गवाही दी, क्योंकि यह उस समय के लोगों के महत्व के लिए अधिक उपयुक्त था। यह प्रभु यीशु के वचनों को पूरी तरह से पूर्ण करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। योहन्ना 16:12-13। इस तथ्य के बावजूद कि हम परमेश्वर के आत्मा को देख नहीं सकते, जब परमेश्वर का आत्मा देह धारण करता है, परमेश्वर का स्वभाव, उनका अस्तित्व, सर्वशक्तिमता और बुद्धिमता सभी उनके शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन और कार्य एवं उनके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु के वचन और कार्य अधिकार और सामर्थ्य से भरे हैं। वे जो कहते हैं वह सच हो जाता है, वे जो मांग रखते हैं वह पूरी हो जाती है। जैसे ही वे बोलते हैं उनके वचन सच हो जाते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु का एक वचन मनुष्य के पापों को क्षमा करने और मृतक को फिर से जिंदगी देने के लिए काफी था, उनके एक वचन से हवा और समुन्दर को शांत कर दिया आदि। प्रभु यीशु के कार्य और वचन से हम परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को देख सकते हैं, जो सभी चीजों पर शासन करता है। और हमने परमेश्वर की सर्वशक्तिमता, बुद्धिमता और चमत्कारी कार्यों को देखा है। प्रभु यीशु ने अपने वचनों में यह मार्ग बताया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उन्होंने व्यवस्था के युग को समाप्त करते हुए अनुग्रह के युग का आरंभ किया, परमेश्वर के करुणामय और प्रेम भरे स्वभाव को व्यक्त किया और मनुष्य के छुटकारे का कार्य पूरा किया। प्रभु यीशु ने स्वयं परमेश्वर का कार्य पूरा किया। प्रभु यीशु का वचन और कार्य परमेश्वर की आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति है। क्या यह प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे वचन बोलने और हमारे लिए कार्य करने, हमारे समक्ष प्रकट होने के लिए देह रूप में आया था? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि चाहे परमेश्वर का आत्मा जैसे भी वचन बोलता हो और कार्य करता हो, हम उनको पहचान पाने में असमर्थ हैं? क्या देह की यह बाहरी आवरण सचमुच हमें मसीह के दिव्य सार की पहचान करने से रोक सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब परमेश्वर का आत्मा वचन बोलने और कार्य करने के लिए देह धारण करता है, जब तक चाहे कितनी भी अनुभव करे, फिर भी हम परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को पहचान पाने में असमर्थ होंगे? अगर ऐसी बात है तो हम अपने विश्वास में काफी पीछे रह गए हैं। हम और किस तरह परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर में विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति को यह आवश्यक पहचानना चाहिए कि केवल अंतिम दिनों का मसीह ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। योहन्ना 16:12-13। अंत के दिनों में प्रभु यीशु अपना कार्य करने और अपने वचनों को कहने के लिए बहुत समय पहले ही मनुष्य के पुत्र के प्रकटन के रूप में देह में लौट आया था।
मनुष्य का यह पुत्र अंत के दिनों का मसीह है, सत्य का आत्मा है और वह उन सभी सत्यों को व्यक्त करता है जो मनुष्यों का न्याय करते हैं, उन्हें शुद्ध करते और बचाते हैं। वे सत्य वास्तव में शाश्वत जीवन के मार्ग हैं जो परमेश्वर मानव जाति को प्रदान करता है। इसलिए केवल वे लोग अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो उस मसीह में विश्वास करते हैं जो कि अंत के दिनों में देह बन गया है और उस शाश्वत जीवन के मार्ग को स्वीकार करते हैं जो वह मनुष्यों को देता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का यह सत्य वचन हमारे जीवन में कितना हितकारी है, हमें इन वचनों पर मनन चिंतन करने की नितांत आवश्यकता है। परमेश्वर पर विश्वास करें ताकि प्रभु ईश्वर हम सबों पर बहुतायात आशीष और कृपा दे। आमीन। वचनों को सुनने के लिए मैं अशोक कुजूर दत्रा आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। हृदय से धन्यवाद।